अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं एगलेस चॉकलेट मार्बल केक विदाउट ओवन, जिसके लिए मैंने एक बोल ले लिया है। ये मैंने एक कटोरी भरकर पिसी हुई शक्कर ले ली है। अगर आपके पास पिसी हुई शक्कर नहीं है तो आप शक्कर, जो आपके घर में शक्कर है, उसको आप मिक्सर में ग्राइंड करके पाउडर शुगर बना सकते हैं। ये मैंने आधा कटोरी मेल्टेड बटर लिया है। अगर आप बटर नहीं डालना चाहते तो आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। टू टीस्पून मैं इसमें वनीला एसेंस ऐड करूंगी। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको मिक्स कर लिया है मैंने अच्छे से। अब मैं इसी कटोरी से डेढ़ कटोरी इसमें मैदा ऐड करूंगी, और इसी कटोरी से हमने एक कटोरी भरकर चीनी ली थी पाउडर शुगर। ये पिंच ऑफ मैंने बेकिंग सोडा लिया है और ये 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ये ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। ये मैंने 1 कप भरकर दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। हम इसको बिना अंडों का बना रहे हैं, तो जो वेजिटेरियन है वो इसे इजीली घर पर बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए, पूरा 1 कप दूध हमने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा थोड़ा करके। मुझे अभी भी इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा लग रही है, मैंने और आधा कप दूध लिया है। इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देंगे। तो पूरा हमें 1.5 कप दूध लगा है इसमें। ये देखिए, अब ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें इसकी। आपको बैटर को ज़्यादा पतला नहीं करना है, गाढ़ा ही रखना है। अब हम इसके 2 पार्ट कर लेंगे। मैंने एक दूसरा बोल ले लिया है, इसमें मैं इसका आधा आधा पार्ट कर दूँगी। हम मार्बल केक बनाने वाले हैं, जिसकी एक लेयर चॉकलेट की होगी और एक लेयर वनीला की होगी। ये देखिए, मैंने 2 पार्ट कर लिए हैं। वनीला का बैटर मैं साइड में रख देती हूँ, और ये जो हमने आधा बैटर लिया था इसमें मैं 2 टीस्पून कोको पाउडर ऐड कर दूँगी। इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स कर लिया है मैंने। हमारा चॉकलेट बैटर भी बनकर रेडी हो चुका। ये मैंने एक छोटा पतीला लिया है। अगर आपके पास छोटे साइज़ का केक टिन है तो आप वो भी ले सकते हैं। मैंने इसको बटर से ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो भी इसमें रख सकते हो। मैंने इस तरह का एक स्पून ले लिया है। इससे मैं सबसे पहले चॉकलेट के बैटर को सेंटर में डालूंगी।
अब वनीला का जो हमारा बैटर था वो हम इसको सेंटर में डालेंगे। बैटर जो हमने रेडी किया है उसको हमें सेंटर में ही डालना है और दोनों के स्पून को हमें अलग ही रखना है और जितना साइज़ हम चॉकलेट के बैटर का ले रहे हैं उतना ही साइज हमें उतना ही साइज़ हमें वनीला के बैटर का भी लेना है। इसी तरह से हमें सारी लेयर को रेडी कर लेना है। ये देखिए मैंने सारी लेयर को रेडी कर दिया है। इसको थोड़ा सा टैप कर देंगे। ये मैंने एक स्टिक ले ली है, आपके पास टूथपिक है तो आप वो भी ले सकते हैं। इसको अंदर तक डीप करते हुए सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ करनी है और स्टिक को क्लीन कर लेना है। आप जब भी लाइन ड्रॉ करेंगे आपको स्टिक को हर बार क्लीन कर लेना है। अब इसी के सेंटर से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी, फिर स्टिक को याद से आप क्लीन कर लीजिए वरना आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल हमारा मार्बल का डिज़ाइन बनकर रेडी हो रहा है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे घर पर मेरे तरीके से। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल फूड विद आफिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो ये देखिए हमारा बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल मार्बल केक का डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको बनाने चलते हैं। ये मैंने हम इसको विदाउट ओवन बनाने वाले हैं तो मैंने इस तरीके का पतीला ले लिया है। इसको मैंने लो फ्लेम पर गरम कर लिया था। तो ये देखिए पतीला हमारा गरम हो चुका। मैंने इस तरह का स्टैंड रख दिया इसमें। अगर आपके पास कोई भी प्लेट वगैरह है तो आप वो भी इसमें रख सकते हैं। इसमें हम इसको केयरफुली रख देंगे और लीड से हम इसको कवर कर देंगे। मैंने जो लीड लिया है उसमें होल है जिससे भाप बाहर आ सकती है, तो उसको पैक करने के लिए मैंने एक लॉन्ग ले ली है, वो मैं इसमें डाल दूँगी जिससे हमारी जो भाप होगी एयर होगी वो बाहर नहीं आएगी। तो 45 मिनट के लिए हमने इसको लो फ्लेम पर पकने दिया था। 45 मिनट्स हो चुके हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं स्टिक की मदद से। मैं सेंटर में इसको डालूँगी। ये देखिए हमारा स्टिक बिल्कुल क्लीन निकला है, मतलब हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपके स्टिक पर केक लग कर आ रहा है तो आप इसको फिर से लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दीजिए। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए केक अभी हमारा बहुत गर्म है, फिर भी इसने साइडों को कितने ईजीली छोड़ दिया है जबकि हमने कोई बटर पेपर का यूज़ नहीं किया है। हम इसको ठंडा होने देंगे फ़ैन के नीचे। तो ये देखिए केक हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। हम नाइफ़ की मदद से थोड़ा सा इसके किनारों को निकाल लेंगे। अब हम इसको पलटी कर देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ब्यूटीफुल केक हमारा बनकर रेडी हुआ है। बिल्कुल स्पॉन्जी केक है हमारा, देख सकते हैं आप, और कितनी आसानी से निकला है, बिल्कुल भी पतीली पर चिपका नहीं है हमारा केक। ये हमारा एगलेस चॉकलेट मार्बल केक बनकर बिल्कुल रेडी है। मैं आपको इसे कट कर बताती हूँ। ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा स्पॉन्जी केक बना है और अंदर तक इसकी मार्बल की डिज़ाइन भी बहुत ही ब्यूटीफुल आई है, देख सकते हैं आप।
मैं दबाकर छोड़ी हूँ तो ये वापस अपने शेप में आ रहा है, जबकि हमने इसको विदाउट अंडों के बनाया है। ये एगलेस केक बनाया है हमने, कोई कर्ड का या अंडे का यूज़ हमने नहीं किया इसमें। डिज़ाइन भी बहुत अच्छी आई है और बिल्कुल स्पॉन्जी केक हमारा बनकर रेडी हुआ है। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कैसे बना था आपका एगलेस मार्बल केक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।